चलते हैं अगली खबर की ओर। सर्व समाज का प्रदेश सरकार पर भरोसा बढ़ा है। हम समाज के हर वर्ग की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे ताकि जीवन का चक्र सुगमता से चलता रहे। यह बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी ने स्थानीय पुष्प वाटिका में आयोजित आभार समारोह में कही। ओबीसी समाज द्वारा केंद्र सरकार की तर्ज पर क्रीमिलेयर की वार्षिक आय 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किए जाने का आभार समारोह का आयोजन रविवार को किया गया था। कार्यक्रम में ओबीसी समाज के हर वर्ग से प्रतिनिधियों ने सरकार का आभार जताया और इस अवसर पर सुमन सैनी ने कहा कि जीवन में समस्याएं तो निरंतर बढ़ती रहती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समाधान हो जाए तो जीवन यापन करना आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि आमजन की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, जहां तक प्रयास हो सके आम आदमी को राहत प्रदान की जा सके। समारोह में विधायक घनश्याम सराफ की धर्मपत्नी प्रेमलता सराफ भी विशेष तौर पर उपस्थित रही। इस अवसर पर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष मामन चंद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज से प्रदेश को मुख्यमंत्री देकर सराहनीय कार्य किया है। भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। दिन प्रतिदिन जो लोगों में बढ़ोतरी हो रही है, जो मान सम्मान मिल रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए दिन योजनाएं लेके आ रहे हैं, उसका लाभ लगातार पहुँच रहा है। कोई किसान की बात करें चाहे मजदूर की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे महिला की बात करें, आज लोगों ने मन बना रखा है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और तीसरी बार कमल का फूल खिल कर आएगा। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है। आज परिवार के बीच में आई हूँ और जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी का विजन रहा है कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक विकास करना, उसी को गति देते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी जन जन की चिंता कर रहे हैं।